जौली कॉलेज के 22 छात्रावास में खाने को लेकर छात्रों और अध्यापकों के बीच बहस हो गई थी, जिसमें एक अध्यापक ने छात्र को बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में छात्रों ने बीते कल भी कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया और अध्यापक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। शिमला के संजौली कॉलेज में अध्यापकों द्वारा की गई छात्र की पिटाई के मामले में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने कहा कि छात्र की पिटाई करना गलत है। कुलपति ने कहा कि अगर बच्चे ने बदतमीजी की थी तो अध्यापक का फर्ज बनता है कि बच्चे को बात करके और प्यार से समझाना चाहिए था। टीचर ने ये वारदात की है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे ने कोई बदतमीजी की थी या कोई उनसे बोलचाल में कोई उससे गलती हो गई थी तो हमारा फर्ज बनता है कि पेरेंट्स का और टीचर्स का कि बच्चे को प्यार से समझाते। लेकिन जिस तरह से जो पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि अध्यापक ने उसको पूरी तरह से मारा, तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था अध्यापक को। मेरे पास कंप्लेंट आएगी तो जो भी सही होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं निर्णय लूँगा।